हेलो एवरीवन, आई एम विनीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ ऑनलाइन किचन प्रोडक्ट गैस सेवर बर्नर स्टैंड। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको ऑनलाइन किचन प्रोडक्ट गैस सेवर बर्नर स्टैंड। ये आपके गैस की बचत करता है, आपके गैस को सेव करता है। इसको मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेस किया है। इसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ है, ये पूरा वीडियो मैं दिखाऊँगी आपको। इसके लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए फ्रेंड्स, का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गैस सेवर बर्नर स्टैंड इस तरह की एक बॉक्स में आया था और इसमें ऊपर एक टैप लगा हुआ है। इसे आप नाइफ की हेल्प से रिमूव कर लीजिए इस तरह से। तो मैंने इसे रिमूव कर लिया था। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने एक पेयर मंगवाया था ये लेफ्ट और राइट गैस बर्नर के लिए। ये दोनों स्टैंड का साइज और डिज़ाइन दोनों सेम हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये देखिए, दोनों एक ही साइज़ के आते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। और आप चाहें तो चार बर्नर के लिए भी इसे मंगवा सकते हैं और एक सिंगल बर्नर के लिए भी आप मंगवा सकते हैं। स्टैंड काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस बर्नर के स्टैंड में ये कुछ यू टर्न के ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिससे कि ये जो है पूरी तरह से बर्नर में फिट हो जाता है अच्छे से। इसको फिट कैसे करना है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। इस स्टैंड का वेट ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। और प्राइस की अगर बात करें तो ये सिर्फ 250 रुपीज़ का ही है फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है। 250 रुपीज़ में ही मैंने ये दो स्टैंड परचेस किए हैं, तो प्राइस वाइज भी ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और आइए अब इसे देखते हैं गैस के बर्नर पर कैसे फिट करना है। बर्नर पर आप इस स्टैंड को कहीं से भी फिट करते रहेंगे तो ये फिट नहीं होगा। इस स्टैंड के ऊपर कुछ ब्लेड जैसे जिगजैग डिजाइन बनी हुई आप देख सकते हैं। उसके साइड में ये यू टर्न ब्लॉक बने हुए हैं, दो एक साथ जो ब्लॉक बने हुए हैं वहीं से हमें इसे फिट करना है, जिससे कि ये स्टैंड एक बार में ही इस बर्नर पर सही तरीके से फिट हो जाएगा। इस स्टैंड पर आप कुकर, कढ़ाई, तवा, कोई भी बर्तन आसानी से रख सकते हो। इस स्टैंड से आपकी गैस की बचत तो होगी ही, साथ में अगर आप पंखा या कूलर चला रहे हैं तो आपकी गैस बुझेगी नहीं इसकी वजह से। तो आप किचन में पंखा या कूलर चलाकर भी आसानी से काम कर सकते हो। और इस स्टैंड की वजह से बर्तन काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसमें गैस की बचत होती है। इस स्टैंड का तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास बड़ा वाला कढ़ाई है तो आप इसे आसानी से स्टैंड पर टिका सकते हो, कढ़ाई गिरेगा नहीं। कोई भी पैन या कुकर वगैरह को रख के जब हम गैस को ऑन करते हैं तो फ्लेम इधर उधर चली जाती है, लेकिन इस स्टैंड की वजह से सारी हीट जो है वो सिर्फ बर्तन पर ही लगती है, इससे बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है और आपकी गैस की भी बचत होती है। तो फ्रेंड, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप तवा यूज़ कर रहे हो स्टैंड के ऊपर, तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपने गैस को ऑन किया है, फ्लेम ऑन है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है तवा रखने के बाद। कि जब हम तवा स्टैंड के ऊपर रखते हैं तो फ्लेम दिखाई नहीं देती है और हम भूल जाते हैं कि फ्लेम ऑन है, इससे आपका रोटी या पराठा जल सकता है। इसके अलावा कुकर या कढ़ाई जब आप इस पर रखोगे तो फ्लेम दिखाई देगी और ये काफ़ी जल्दी गर्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, है ना ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट, जल्दी से आप भी इसे परचेस कर लीजिए। लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे वहाँ से परचेस कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सी यू सून विद न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग नितास किचन।